सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो सुबह सुबह जस्ट मैं अभी निकला हूँ ऑफिस के लिए, और बारिश जो कि ये बारिश है तो ये जस्ट अभी स्टार्ट हुई। मतलब कल मौसम साफ था, जो कि आपने देखी होगी पिछली वीडियो, तो कल थोड़ा सा एक पेड़ गिर गया लाइन के ऊपर, एंड उससे पहले भी एक दो दिक्कतें और थी, बट अभी बारिश लग पड़ी। अभी आई डोंट नो कि कुछ हो, मतलब कुछ ना हो ये ज़्यादा ज़रूरी है। अभी मैं निकला हूँ ऑफिस की तरफ, अब देखते हैं कि पूरा दिन कैसे निकलता है। बाकी मौसम तो अच्छा हो गया, कल इतनी गर्मी हो गई थी मतलब लग ही नहीं रहा था कि 2-3 दिन से बारिश हो रही है और इतनी। और आज मैं अपना ट्राईपॉड लेके जा रहा हूँ, तो आई थिंक अभी शायद वीडियो अच्छी बन रही हो, ऐसा मेरे को लग रहा है। और इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए धन्यवाद। ठीक है, बाकी मेरा बर्थडे आ रहा है 20 जुलाई, तो आई होप कि आप तब तक मेरे सब्सक्राइबर 1000, तो मेरे को पता नहीं आप पहुंचा दोगे कि नहीं, एटलीस्ट जितने भी हैं इससे तो बढ़ा ही दो, 700 पार हो जाने चाहिए। आज तारीख आई थिंक 14 14 या 15 तारीख है, तो अब इतना तो मैं मांग ही सकता हूँ कि अभी बर्थडे वाले दिन थोड़ा सरप्राइज़ मिल जाए मेरे को, तो सब्सक्राइबर थोड़े बढ़ जाएँ। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, इस चैनल पे नए हो, तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लेना। और जो भी आपको वीडियो चाहिए होगी किसी की, किसी भी टॉपिक के ऊपर, चाहे वो तैयारी से रिलेटेड हो या फिर स्ट्रेटेजी से रिलेटेड हो या घूमने की हो, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो अभी चलते हैं ऑफिस जल्दी से, एंड देखते हैं फिर आज क्या क्या काम आते हैं, जो कि मेरे को लग रहा है आने तो नहीं चाहिए। बाकी बारिश इतनी ज़्यादा भी नहीं है, थोड़ी थोड़ी है। मिलते हैं ऑफिस में अभी। लो भाई लग गया जाम, गाड़ी वाला बोलता है आप करो पीछे, बस वाला बोलता आप करो। अब बस इतनी देर यही लग जाएगी, 10-15 मिनट यहीं ख़राब हो जाएंगे मेरे। चले 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 तो आजकल तो मैं कुछ ज़्यादा पढ़ता नहीं, तो जैसे ये बुक मैंने शुरू करी है, ऐसे तो मैं कोई नॉवल पढ़ी नहीं अभी तक पूरी, एक दो पढ़ी हैं बड़ी मुश्किल से, इतने ज़्यादा टाइम है। तो आज मैंने काफ़ी टाइम से खरीद के रखी थी, किसी ने रेकमेंड करी थी मेरे को, तो आज मेरे को टाइम मिला इसको पढ़ने के लिए, तो मैं पढ़ रहा हूँ साथ साथ में। देखते हैं अभी इसमें अच्छी अच्छी बातें क्या हैं, अभी तो इस चैप्टर पर पहुँचा हूँ मैं। बाकी ये है, बुक है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाई जोसेफ मर्फी, ओवर 2 मिलियन कॉपीज सोल्ड वर्ल्ड वाइड। तो देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा है, फिर आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, अभी भी थोड़े से बादल हैं, बट धूप भी है साथ में, तो थोड़े से सीमेंट फ्रेम किए तो उसमें बिजी था, तो फिर मैंने सोचा कि ओ भाई कितनी गर्मी है, तो मैंने सोचा कि आपको बोर क्यों करना, तो मैंने वो वीडियो नहीं बनाई। ओ भाई एसी लगा लेते हैं, बारिश का मौसम तो हो रहा है, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, मतलब बादल वो वहाँ है बादल, तो ये रात को आ सकते हैं, जैसे सुबह आ गए थोड़े से बारिश होगी, तो अभी शाम के बज रहे 3:30, तो सारे काम तो मैंने निपटा लिए अपने। तो मैं सुबह ही आया था अपनी जीन्स कटवाने के लिए, लेंथ उसकी ज़्यादा थी, चढ़ जा भाई। तो हालांकि आज कोई ना तो कंप्लेंट आई फील्ड से ना कुछ, दिन ऐसा खराब रहा, ठीक था, थोड़ा सा काम था कागजों का, ऑफिस वर्क था थोड़ा ज़्यादा, फाइलों का तो काम चला ही रहता है, उस पर तो कोई मना ही नहीं है। पहले जाके जीन्स ले आता, और लंच आज मैंने किया नहीं, ना तो मेरे को भूख थी, पता नहीं क्या हो गया 3-4 दिन से ना तो भूख लग रही है कुछ, जिम तो मैंने छोड़ रखा है काफ़ी टाइम से, बट होम वर्कआउट करता हूँ थोड़ा, बट अभी लग रहा है मेरे को कि
एक बार चेकअप करवा के डॉक्टर से एडवाइस लेके शुरू करना पड़ेगा फिर से, कर सकता हूँ कि नहीं, नहीं तो होम वर्कआउट करूँगा। अच्छी चले जाओ वही चले जाओ। लो भाई, इसने इतना छोटा काम था और इसने अभी तक किया नहीं। मेरे को देख के बोलता भैया भूल गया यार, ये क्या बंदा, अब ये 10-15 मिनट मेरे खराब करेगा यहीं। पहले एक बार देख गया उतार के तो ठीक था, अब गाड़ी ले आता हूँ ऊपर मोड़ के। काट दिए वैसे भी, देखता हूँ कितना टाइम लगता है बाकी। देखो भाई नया पेट्रोल पंप खुल गया है यहाँ पे। चीज तो मैं ले आया बट अब मेरे को लग नहीं रहा, पता 4 बजने वाले, अब क्या करूं। ये व्लॉग तो मतलब मेरे को लग रहा 4-5 मिनट का ही क्या ही डालूंगा और क्या ही आप देखोगे, बट कोई ना, देखते हैं। अभी तो घर जाना है, घर में भी बकचोदियां करेंगी। ये बड़ी चीज हो मेरा चश्मा, लो भैया हो गई आज छुट्टी, आज की छुट्टी रोज ही हो जाती इस टाइम। पूरे 5 बजे निकला हूँ मैं ऑफिस से, अभी चलते घर, थोड़ी नींद भी आ रही है, रेस्टलेस हूँ थोड़ा, रात को लेट सोया हूँ मैं, ऐसे तो मैं 9:30 सो जाता हूँ बट ओ भाई बहुत आलस आ रहा है। पता नहीं बट गर्मी काफी ज्यादा लग रही है यार, इतनी धूप है और सुबह बारिश थी, मैंने सोचा आज फिर से मौसम अच्छा हो गया, लेकिन नहीं, गर्मी आ गई है, गर्मी जैसी फील आ रही है, लग नहीं रहा मानसून चला। तो मेरे को एक कमेंट डाला था किसी ने कि सर आप काफी ज्यादा, भैया लिखा था कि सर था इनोसेंट हो, तो मेरे को प्रभात सर ने बोला था कि अपनी सच्चाई बता देना इन लोगों को, पर्दे में मत रखना। तो प्रभात सर ये वीडियो देख रहे होंगे तो ये मैं आपके लिए कर रहा हूँ। देखो मैं इनोसेंट हूँ सिर्फ 10 से 5 है ना ऑफिस टाइम में, मैं बिल्कुल इनोसेंट नहीं हूँ ये मैं बताता हूँ। अब नौकरी में ऐसा है कि रहना पड़ता है वैसा, मतलब काम ठीक है, काफी ज्यादा काइंड ऐसे करके प्यारी प्यारी बातें, बट अगर आप मेरे को ऐसे मिलोगे कभी तो आपको भी लगेगा पता कि इतना भी, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं नहीं हूँ इनोसेंट, हूँ हो सकता है हूँ, बट कोई नहीं होता इनोसेंट है ना, सब हरामी होते हैं और मैं हरामी तो नहीं बट इनोसेंट तो नहीं हूँ मैं, ठीक है। आप जैसे आप सब है वैसे ही नॉर्मल इंसान हूँ, बस ये है कि नौकरी लग गया तो उस टाइम थोड़ा रहना पड़ता है वैसे शरीफ बन के, समझ रहे हो ना आप, डीलिंग कैसी होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए लोगों के साथ, बाकी पर्सनल लाइफ तो सबकी अपनी अलग अलग है, तो पता नहीं दिखा सकता हूँ कि नहीं, बट कोई बात नहीं, ऐसी मैं बकचोदी करता हूँ वो देख लेना आप। अब मैं कुछ अपने एडिट कर देता हूँ, मैं और प्रभास की वीडियो में बहुत ज़्यादा बकचौती करते हैं यार, मतलब अलग लेवल की बकचौती होती है हमारी। तो अभी तो ऑफिस टाइम से निकला हूँ मैं, तो अभी तो कुछ भी बोल सकता हूँ, ऑफिस आप में नहीं बोल सकता मैं कुछ भी, बाकी पर्सनल लाइफ तो होती है इंसान की है ना। तो इनोसेंट तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ, ना प्रभात सर है, प्रभात सर मैं आपका भी सच बता रहा हूँ ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा फन करते हैं हम, अतुल भी है, अतुल आजकल थोड़ा आता नहीं वीडियो में, वो काफ़ी बिजी चला हुआ बंदा। एंड अभी जा रहा हूँ मैं घर, भैया ने मंगवाया था आटे की थैली मंगवाई थी मेरे से, तो वो मैंने ले लिया, अभी चलते हैं घर और देखते हैं खाने के लिए कुछ। सुबह से यार मैंने सिर्फ ब्रेकफास्ट किया है और दोपहर को पिया चाय, मतलब लंच लेके नहीं गया था आज मैं और टाइम भी नहीं लगा, फिर मैंने सोचा क्यों ना आज थोड़ा डाइटिंग पर आ जाए ठीक है। तो यही सच बताना था मैंने अपना,
बाकी आप मेरे को जज बिल्कुल मत करना, कर लो अच्छा कोई बात नहीं, क्या ही होगा, जी भर के करो। इतनी बारिश हुई बट ऐसे लग नहीं रहा मौसम साफ हुआ, मौसम साफ नहीं मतलब वैसे ठंडा हुआ, अभी एसी लगा के चलना पड़ रहा है गाड़ी में, हिमाचल में भी क्या दिक्कत है। पता नहीं अभी इतनी साफ आ रही, 5,000 स्टेप्स हो गए मेरे, मैं आ गया हूँ 1 किलोमीटर आई थिंक घर से, 2 किलोमीटर बढ़िया यार, मतलब वेट उठाने का मन तो नहीं कर रहा था बट वॉक पे बढ़िया हो गया आने का। ये कुछ माहौल और ये है खड, मानखड, और ये रहे हमारे घर, अभी तक किसी ने लाइट नहीं जलाई दिख नहीं रहा क्लियरली, ये है घर, यहाँ नहीं जलाई किसी ने भी लाइट, उड़ा ना दे गाड़ी वाला कोई। कभी कभी लगता है यार नौकरी छोड़ देनी चाहिए और सिर्फ घूमना चाहिए, अभी इतना तो स्टेबल नहीं हुआ मैं यूट्यूब पे, बट जिस दिन हो गया उस दिन मैं कर दूंगा ये बता रहा हूँ, इतना मन करता है घूमने का। हाँ थोड़ा मतलब इनकम आती रहे फिर ठीक रहता है, मतलब थोड़ा घर को दे दिया या खुद घूमने पर लगा दिया, बाकी तो मेरे को चाहिए नहीं कुछ, मतलब ऐसा तो बोल नहीं सकता कि सिर्फ पैशन के लिए मैं यूट्यूब वीडियोस बना रहा हूँ, है ना, क्योंकि पैसे भी चाहिए साथ में। देखते हैं वो दिन कब आता है जब स्टेबल हो जाऊँगा यूट्यूब पे, अभी मौसम क्या, अभी तो शाम के टाइम तो वैसे ही ठीक हो जाता है हर दिन, तो अच्छा लग रहा है अभी मेरे को, मैं कभी कभी आता हूँ वॉक पे, बट अभी मेरे को लग रहा है कि मेरे को डेली आदत डालनी चाहिए और मॉर्निंग वर्कआउट शुरू करना चाहिए, जो कि मैं करता ही हूँ। कॉल आ रहा है किसी का,